कैन और कुड। जब हम कैन की बात करते हैं ना, तो कैन का मतलब होता है कि कोई चीज पॉसिबल है, ये एक पॉसिबिलिटी के लिए। तो कोई चीज पॉसिबल है तो हम कहते हैं कैन, सो आई कैन डू दिस। अच्छा, ये वो वाली पॉसिबिलिटीज हैं जो कि पॉजिटिव हैं, यानी ये कोई कोई नेगेटिव आइडिया नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एक तो कैन और कुड में एक बुनियादी फर्क है कि कैन इस्तेमाल होता है तो प्रेजेंट में होता है, और जब हम कुड इस्तेमाल करते हैं तो वो पास्ट में करते हैं। लेकिन जब हम कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, वो लेस पॉसिबल है। यानी जो हमारे पास कैन है ना, अगर उसकी पॉसिबिलिटी 100% है ना, तो कुड की पॉसिबिलिटी है 60%। ये लेस पॉसिबल है और ये डैमेजिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ ना इट कुड बी ट्रू, तो ये जो मेरा कुड है ना, ये एक बुरी वाली पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अगर मैं कहूँ इट कैन रेन, तो ये अच्छी वाली पॉसिबिलिटी है और इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इट कुड रेन, तो इसका मतलब है कि ये वाले चांसेस इसके मुकाबले में काफी कम है। और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ये एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी, यानी ये एक अच्छी बात नहीं है। इट कुड बी ट्रू, ये कोई अलार्मिंग चीज हो सकती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सो इट कैन बी ट्रू और इट कुड बी ट्रू में फर्क ये है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव वाली चीज हो जाती है। अच्छा, अब जहां तक बात आई कैन बी, इट ही कैन बी देयर। अब जो हम जुमले पढ़ते थे ना, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान इज एग्रेरियन, अब पाकिस्तान सब्जेक्ट था, इज वर्ब था, एग्रेरियन था एडजेक्टिव, ही कैन बी देयर। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, कैन भी हमारा वर्ब है, देयर जो है ये जगह के लिए इशारा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो जब हमने लिंकिंग वर्ब लगाना होता है, तो कैन और मे जो है ना, कैन मे बी भी होता है। ठीक है, ये जो कैन या मे बी है ना, ये इटसेल्फ अकेले लिंकिंग वर्ब नहीं बनते। अगर इनका लिंकिंग वर्ब लगना होता ना, तो वो बी के साथ लगता है। सो ही कैन बी देयर, ये लिंकिंग वर्ब लग गया। इसी तरह ही हैज बिन टू, ही हैज बिन टू दुबई। अब एक तो हैज था कि ही हैज फोर बुक्स, ये पोजेशन वाला था, और जो हैज बीन है कॉन्टिन्यूअस वाला, वो अकेला नहीं लग सकता। अगर वो हैज बीन लगेगा, यानी ही हैज बीन टू दुबई, तो अगर हैज बीन लगेगा, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे लगा, और लिंक किससे कर रहा है, टू दुबई, विच इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये भी प्रेपोजिशनल, ये सॉरी हैज भी आपका लिंकिंग वर्ब हैज बीन भी लिंकिंग वर्ब है, इज भी लिंकिंग वर्ब है, कैन बी भी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन कैन और मे ये अकेले लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकते, इनके साथ बी का लगना लाजमी है।